नमो अरहंकारं नमो सिद्धारं नमो वाय्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमने कांतं साधुमुक्तं मंगलं वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नम्योन जनम वीरम अनंतवर्णान दंशन सहावम मोक्षामनियम सारम केवल शुद्ध केवल भजनम जो पश्चद अपानम संभावे संठवित्त परिणामम आलोयन मिद जान परम जनिंदस ओवेशम बार बार दोहराना चाहिए ये अध्यात्म का उपदेश। बार बार चिंतन करने को ही अनुप्रेक्षा कहते हैं। एक बार पढ़ लेना सुन लेना याद कर लेना पर्याप्त नहीं है, बारंबार अभ्यास करना है। ये नवीन श्रोता का भी कर्तव्य है गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करना। कितनी बार? बारंबार। कितनी बार? जब तक जैसा कहा जा रहा है वैसा अपने को भाषित न हो जाए, कुछ समझ में न आए तो अति विनयवान होकर के पूछना चाहिए। फिर वे जो उत्तर दें उसका बारंबार विचार करना चाहिए। ये सूत्र के स्वरूप में लिखा है। तो परम आलोचना अधिकार में क्या चर्चा अपनी पहले स्वाध्याय में चल चुकी, फिर विचार करो कि अधूरे से तो शुरुआत हो नहीं सकती। जिसे दूसरे का ही दोष दिखाई देता है अपना दोष दिखाई नहीं देता वह तो इस आलोचना धर्म का पात्र ही नहीं। आलोचना धर्म का पात्र नहीं माने उसे आलोचना नहीं होती। परम आलोचना की बात तो बहुत दूर है। पर का दोष देखना बंद करके अपना दोष हर स्थिति में देखे क्या करे? चार बार कह दिया फिर गुस्सा आ गई कि चार बार नहीं 100 बार कहे तो भी न माने तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। 5-6 बार कहें तो भी अगर कोई कहे वही काम गलत काम करे तो भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। मेरे ही पुरुषार्थ की कमी है, हम क्या करें बताओ? 4 बार तुमसे कह चुके, 10 बार तुमसे कह चुके, अरे 100 बार कहो ना लेकिन गुस्सा तो नहीं आना चाहिए। अपना ही दोष, क्रोध के होने में अपना ही दोष है, मान के होने में अपना ही दोष है, संपत्ति मान नहीं कराती, 6 खंड का वैभव भी अनंतानवंदी मान को उत्पन्न करने में असमर्थ है। अब बिल्कुल छदाम नहीं हो तो भी अनंतानवंदी मान भिखारियों को होता है, भिखारियों को होता है, पशुओं को होता है, अनंतानवंदी मान होता है। जानते हो अनंतानवंदी मान का बहुत बहुत स्थूल अर्थ है। श्रावकाचार्य के नाम शिक्षक विधान से देव सास गुरु को भी कुछ नहीं समझता। आपने इस भाषा को सुना होगा बहुत लोगों से। क्या होता है भगवान? भगवान जब पाप का उदय आता है सही पता पड़ जाता है क्या उदय भगवान बचा लेकिन पुण्य के उदय के नशे में क्या होता है भगवान? भगवान क्या होता है धर्म? मानो एक डॉक्टर था तो एक ब्रह्मचारी बिचारे हो गए थे, अधेड़ ब्रह्मचारी थे, आंखों में मोतियाबिंद था,
सही घटना है ये, तो ऑपरेशन को पहुंच गए कैंप लगा से, ऑपरेशन पहुंच गए तो डॉक्टर ने देखा वाला बोली जी बोले साहब हम दवाई नहीं खाएंगे, इसलिए तो हम जैनियों का नहीं करते ऑपरेशन, ऑपरेशन ये नहीं खाएंगे हम क्या कर दे। दूसरा डॉक्टर होगा अरे साहब इनके नियम नियम होते, अच्छा भाई करो कोई बात नहीं। ऑपरेशन हो गया वे उठे तो फिर मन में चले आए शरीर दर्शन करेगा, देख तू मानता नहीं है फिर आँख खराब हो जाएगी मैं क्या करूँ, पहले वो पट्टी वट्टी होती चार छह दिन बाद खोल दे रही है, अब तो वो दो घंटे में छुट्टी देते ना, तो चार जब पट्टी खोली उसने बोले एक बात है यार तेरी आंख तो बढ़िया हो गई धर्म में है तो सब लोग धर्म को इसी मतलब का मानते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए हमारे अनुकूल काम हो जाए बस। तकलीफ में भगवान याद आते हैं, तकलीफ में गुरु याद आते हैं, तकलीफ में देखो कछु मन जब नहीं लग रहा तो दादाजी किताब रखी निकालो तो जन्म से ही कछु पढ़े कभी, अरे रे प्रभु विचार तो करो ये अनंतान मंदिर मान समझता ही नहीं है, ये बड़े हैं ये गुरु हैं ये देव हैं ये भगवान हैं ये शास्त्र हैं करते ही जो अपन ने सोच लिया जो अपन ने कर दिया एक दूसरे को बस अपने कुछ कुछ कर अनंतान मंदिर मान ये लिखा है अपन कह जा अपन कह जा दूसरे से कोई मतलब नहीं है हमें हमें कहना बात बाकी हो पनी की तबीयत खराब और हमें हमें तो हमारे छोड़ना शरीर प्रभु अनंतान वंदी मन किसको कहते हैं समझो समझो उसको परिवर्तन क्यों नहीं होता। कल पढ़ रहे थे आप लोग सवेरे है ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल क्या मतलब हुआ ब्रह्मचर्यांत क्षमा बिना जीवन निष्फल, दोष होने पर भी क्षमा नहीं मांग सकता क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं कर सकता वो गांठ बांधे बैठो रहे बैठे ही बैठे क्या वो जीवन में सफल हो पाए। बिना बिना है जीवन निष्फल लेकिन हम तो बस हो गई हमने तो एक कल हम कह रहे थे तुमसे हमारी एक इतनी मोके संस्कार और ऐसी परिस्थिति है ये थाली की तरफ थाली में कभी से पूजा हो गई ये शब्द अपने धारणा में रख ले मुंह से कह ले सुन ले सो स्वाध्याय हो गया जैसे सोच रही ये करने करने अब नहीं करेंगे बस तो बंद कर दिए और दो दिन बाद फिर करेंगे जाने को सोच रही कि अब हमें ऐसो करने ऐसो करने ऐसो करने ऐसो करने समझने की गुंजाइश नहीं है। इसका नाम है अनंतानवंदी मान विशुद्धि लब्धि इसी को कहा था हमने क्या सोचने समझने की जिज्ञासा जगना अपनी भूल खोजने के लिए तत्पर होना तब वो भूल समझ में आएगी तब निकलने की बात आएगी। हम कहते हैं स्थूल भूले नहीं निकल पाएंगे तो ये सात तत्व की भूल तो सूक्ष्म भूले हैं अपनी अटकलें लगाई और अपना काम शुरू अपनी धर्रा में चल रहे कुछ पता ही नहीं तो जै थाली की वह थाली में करी तो पूजा हो गई अपने चाहे ऐसा टांग कर ले चाहे ऐसा रात रहे चाहे वैसा कर ले चाहे वैसा करे चाहे शुद्ध पड़े चाहे अशुद्ध पड़े बस पूजा पूजा करे आए ऐसे ही ये शास्त्र पड़े चाहे शुद्ध पड़े चाहे अशुद्ध पड़े। कल हमने अचानक कह दिया भैया क्या इधर भी गाथा पढ़ना जीवम जीवम दब्बम हमने के लिए प्रथम ग्रास हम मच्छी का पाता लेकिन ये नहीं है भैया अपन आज जब संग्रह की गाथा पढ़ना संस्कृत प्राकृत है तो कम से कम दो दिन तीन दिन बैठे तो कम से कम साफ शुद्ध हो जाए क्या गलती नहीं करी लेकिन कुछ नहीं हम पढ़ा सकते जीवम जीवम नहीं है भैया जीव मजीवम संस्कृत है वो क्या नाम संधि है उसमें लेकिन नहीं कम से कम 80% पढ़ते होंगे जीवम जीवम
और 90 पढ़ते हो तो भी पता नहीं। लेकिन बस कुछ लगता ही नहीं। तो हम ये कह रहे हैं शुद्ध अशुद्ध जैसे भाई तैसे अपने बस पढ़ लिए, धारणा आ गई अपने मुंह से आ गई, तो भैया स्वाध्याय हो गया। कछु एक आध बोली फोली ला रही गोलक में रुपये पैसे डाल दे कछु का दे ले रहो सुधान होगा। एक आध नियम ले लो रात में नहीं खा सब बाजार को नहीं खात फलान तो संयम होगा। रसी ऐसी करने लगे तप होगा अब बदावर का करे। ऐसा हमने अपने मन को सेट किया है, इसी का नाम व्यवहाराभास है। और ये व्यवहाराभास भी नहीं है, व्यवहाराभास तो ज्ञानियों का जैसा व्यवहार होता है तैसा व्यवहार। सोचते ही नहीं हम पूजा में द्रव्य पूजा भाव पूजा मन पूजा वचन की पूजा काय की पूजा निश्चय पूजा व्यवहार पूजा और इनमें से कौन सी ये हमारी कौन सी पूजा भाई, कितनी विशुद्धि आई, क्या भेद ज्ञान जगा, कितने गुणों का चिंतन हुआ, कितनी हमारी भीतर की भावना जगी, हे भगवान बंदे तदगुण लब्ध है, कुछ नहीं बस पूजा हो गई। पूजा तो हम रोज करते ऐसे बैठे समय हो गई। माने सबरे काम जो आचार्य भगवान ने लिखे थे वो इसने अपनी कल्पनाओं से कर लिए और अपने को जबरन धर्मात्मा मान लिया, बस अब गुंजाइश नहीं रही। इसका नाम है अनंतानुबंधी मान। अब तो ब्रह्मचर्य जीवन निष्फल, ए तुम लोगों ने ब्याह करे तीन को जीवन निष्फल है, हम तो ब्रह्मचर्य ले लोगे हमारा जीवन तो सफल हो। बस जे दिमाग चलता है पढ़ते समय में बस उतने में सेट हो गया, हमने तो ब्रह्मचर्य ले ली। अभी स्थूल ब्रह्मचर्य के भी ठिकाने नहीं है, नौ बारों के ठिकाने नहीं है, परिणामों की विशुद्धता के ठिकाने नहीं है। अरे कोई चौके तो बुरा लगता है जरा सी और तो भी मतलब जी लगता है ब्रह्मचर्य जीवन मन इन लोगों की बात की। कभी लगता है ब्रह्मचर्य जीवन निष्फल, हमारा जीवन निष्फल जा रहा है ब्रह्मचर्य के बिना। जिसने हम जिसको हमने ब्रह्मचर्य मान लिया वो तो एक पत्ता है। हमने तुमसे यही तो कहा था तुम पत्ता सींचे तो हम मूल सींचे इनकी कोशिश करते हैं, इतना अंतर है बस और कुछ नहीं। तुम इतनी इतनी सी बातें पकड़ ली वजह तो ठीक है अब ऐसा कर दिए। हम कहते हैं उस मूल का अभिप्राय सुधारो। उस दिन भी कहा था देखो कथाएं की मंदता थोड़ी हो गई है लेकिन अभी मंदता में स्थायित्व तो नहीं है, सत्ता में वो कथाएं कर्म सब पड़े। जरा सी में प्रतिकूलता भी में जरा सी एक बात होती जड़ सी ऊपर आ जाती कथा शीघ्र होकर के और बस चेहरा चढ़ गया भीतर हो गए और बस अपने गोल हो गए, बोलना बंद कर दिया, ये कर दिया, हट गए अपनी तान भी। अभी कथाएं भी मंद नहीं हुई हमारा विचार कर कैसे खा रहे बस रोटी छोड़ दे वो गलत तरीका नहीं छोड़ा रोटी छोड़ दी हमसे कहा पीछे से कह देते बाद में कह देते हमेशा अकेले में समझा देते फलाना कर देते। अरे भैया तो उस गलत तरीके को छोड़ ही दे ना। तो विशुद्धि लब्धि का मतलब ये है तत्व की जिज्ञासा आना भूख होना, निरोगता की ओर जाने का लक्षण है भूख आ जाना। अब चर्चा तो हो रही थी अब थोड़ी भूख लगने लगी खान तो अब थोड़े रोग कंट्रोल में होने लगा। भूख नहीं लगना ये समस्त रोगों का कारण है, ऐसे ही जिज्ञासा नहीं होना ये संसार का प्रबल कारण है। अपनी उन्नति के बारे में सोचने में बिना बिना है जीवन निष्फल, सरलता बिना है जीवन निष्फल, बहाने बनाओ कपट करो इतने उतने की घुमा फिराओ लगता है सरलता बिना जीवन निष्फल। कोई बात है सरलता से कह दो ठीक है, सरलता से समझ लो सरलता से सुन लो आओ ठीक है। हम कितनी बार ब्रह्मचर्य के प्रसंग का दृष्टांत सुना देते एक बूढ़े आदमी बेचारे बूढ़े तो नहीं 50 वर्ष की उम्र थी आकर के बैठते थे बैठे स्वाध्याय में आते वही सोते। मैंने कहा क्यों भैया
ब्रह्मचर्य ले लिया। बोली दाव तो नहीं है, आज ले ले। तो ठीक है, गांव के बिना पढ़े लिखे कम लोग कोई बड़ी बड़े लोग कहते ना, तो ठीक है ऐसा कर लिया, ठीक है बेटा ऐसा कर ले, हाउ तो ठीक है ऐसा कर लिया। हमने ये भाषा सुनी है, बड़े ने कई कहा फलानो काम ऐसे, तो ठीक है बेटा आप कल चलेंगे, आओ तो कल चलिए। और आज इतनी पढ़ाई हो गई है, वो हमारा रिजर्वेशन हो गया, हमने बात कह दी वो बोरू माने फलानो को ठीक हो तो जाओ भैया बच्चे ले आए, हम तो पूछ ले। इतनी बातें बनाएंगे, इतने तुम्हारे पास कुतर के खट्टे हो गए कि उसके आगे सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी और तुम अपने समझ लोगे कि हाँ हम बच, या चुप सौ बक्का एक चुप, वाह तुम चाह कच कह रहे हो हम चुप, कोई बोलेंगे ही नहीं बस, और बस अपने जो मन में आया वो अपने करेंगे बाद में। कपट प्रीति अंगार सी, अंगारा है जलाएगी ये कपट की प्रीति। संतोष बिना जीवन निष्फल है, संयम बिना जीवन निष्फल, तप बिना जीवन निष्फल, त्याग बिना जीवन निष्फल, उसके बाद आकुंचन बिना जीवन निष्फल, तब आएगा ब्रह्मचर्य बिना जीवन निष्फल। ब्रह्मचर्य वैसे ही आ जाए, एकदम उतर के आ जाए, दसवें की सर्टिफिकेट मिल जाए तुम्हें। बस पढ़ जाओ जर्विन जीवन निष्फल, बात कहूं मैं खड़ी खड़ी, हम खड़ी कहते हैं किसी को परवाह नहीं है हमको, अरे अभिमान नहीं होता खड़ी में, खड़ी चीज खरे रत्न होते घनों की चोट से नहीं छूटते, प्रतिकूलताओं में उनमें विकार नहीं आता, अनुकूलताओं में चढ़ते नहीं, खरा आदमी होता है वो, अनुकूलता प्रतिकूलता से निरपेक्ष होता है वो खरा आदमी। हमने कहा था ना देखो कैसी विनय और कैसी आज्ञा पाली आती है, चंदन घिसना बंद नहीं हुआ और आवाज बंद हो गई, इसका नाम है सेवा, इसका नाम है बुद्धि। और तुम्हें तो कही थी बंद करो ये, हमने तो कही थी चंदन बंद कर दी, लेकिन पर हमने कही थी चंदन घिसना बंद हुआ था बोलो, और आवाज बंद हो गई थी कि नहीं, अब कैसे हुई तो बताओ हम क्या करें, ये तो नहीं कहा था, ये प्रश्न तो नहीं उठाया था, अपने आप अकल लगाई और अपने आप उसका किया और चंदन भी घिसता रहा और आवाज भी बंद हो गई। हमारा चंदन घिसना बंद हो जाएगा, आवाज बंद नहीं होगी, और ये कहेंगे बताओ तो क्या करें हम बता, अभी चूड़ियां तो चूड़ी तो खन गएंगे, हम क्या कर दें, हम क्या कर दें बोल। मैंने देखो कितना अंतर हो गया चौथी काल पंचम काल का है, और सम्यक्ति और मिथ्यादि का कितना अंतर होता, विनयवान और अभिमानी का ये अंतर है मूल में, चंदन घिसना बंद। परमार्थ दृष्टि के बिना व्यवहार नहीं होता, कहां पे ठीक है वो, बिना नींव के थोड़े दिन वो तो एक आध बार साथ में धरा साई हो यार, जरा सी प्रतिकूलता में खत्म। वो तुम्हारी धर्म परीक्षा के दृष्टांत है ना, वो मसाला वो पक्षी पक्षी का रूप बना दिया था, उन्हें क्यों भाई क्या बात है, तो बात ये है हाँ वचन की कोई बात आई थी भूल गया, उसने कहा हमारी अगर हम वचन भंग करें, वो पक्षी पक्षिनी से पक्षिनी से पक्षी कह रहा था मैं बाहर जा रहा हूँ, अरे तुम्हारा क्या ठिकान हो तुम बाहर से कब लौटोगे क्या होगा, कह नहीं हम वचन दे रहे हैं इतने समय में आ जाएंगे, तो बोले हम कैसे विश्वास करें कि अगर हम वचन भंग करें नहीं लौटें तो ये तपस्वी जैसी दशा हो, वहां एक तपस्वी तब कर रहा था, तो उसको आई गुस्सा, उसने पकड़ा, बोले भाई क्या बात है कि हमारी ऐसी गति खराब, बोले तुम क्या जानते हो पढ़े नहीं गए, पढ़े शास्त्र पढ़े तुमने, अपुत्र से गति नास्ती, तुम चले आए बिना ब्याह करे तपस्या करने, बोले बिल्कुल ठीक, तब छोड़ के चल गए,
अब छोड़ करके चल दिया। बोले देख ली, मैंने जरासे में खत्म, ये छोड़ के दस साल। अब उतरे से जाती ना, माने एक जबकि जब टोटा मर्जी ने पांचवा अधिकार में उसकी मीमांसा करी तो उन्हें कहा कहीं ये तो बचे विरोध आता है, कहां तो ब्रह्मचर्य की महिमा कही, कहां पुत्र से गति ना थी, ये कैसे बनती। उसकी तर्क थी, बहुत तर्क। फिर इतने लोग स्वर्ग गए, इतने कुमार तपस्या करके, ये बातें कैसे बनेंगी। लेकिन बस समझ में आ तो ठीक बिल्कुल, हाँ स्वयं के निर्णय के बिना, स्वयं के अनुभव के बिना यही होता है। ये बहुत मर्म की बात है, लौकिक कार्यों में भी बातों में जबकि मैं ना आऊं, अब न धोखा खाऊंगा। तो विचारना, क्या कह रहे थे, बारंबार विचार करना, कब तक, कब तक, जैसा कहा जा रहा है वैसी प्रतीति अपने को न आ जाए। चलो बारह भावनाओं के आधार पर इसका अर्थ करो, जब तक ये हमको न लगने लग जाए कि ये सारे संयोग अधरोग हैं, अनित्य हैं, विनाशी हैं, ये पर्याय विनाशी हैं, ये संयोग अधरोग हैं, समय रहते इनका उपयोग कर लेना चाहिए, सदुपयोग समय रहते, शरीर तो जाएगा। जैसे धन के प्रसंग में, धन के प्रसंग में आया ना, देखो ये धन तो जाएगा, बादलों की बादल उड़ रहे ऐसे हैं, एक झकूर आएगा पता नहीं कहीं, समय रहते सत्पात्र दान कर लेना चाहिए। ऐसे जीवन जाएगा, समय रहते अपना कल्याण कर लेना चाहिए। आंखें कमजोर हो जाएंगी, बैठा जाएगा नहीं, तब का स्वाध्याय करोगे, का तपस्या करोगे, कैसे अभी का अभ्यास होगा तो उसके आधार पर क्षमता रखना, समाधि करना सरल हो जाएगा, और नहीं तो समाधि खेल खिलौना नहीं, साधना बिना समाधि नहीं होती, और सेवा बिना साधना नहीं सीखी जाती। जो साधक हैं उनकी सेवा के बिना साधना नहीं सीखी जाती, साधना कैसे की जाती, और साधना के बिना समाधि नहीं होती, समाधि के बिना जीवन सफल नहीं होता। नियम है, क्रम है। तो क्या कह रहे, अपना दोष दिख जाए तो आलोचना की पहली सीढ़ी है, व्यवहार आलोचना की पहली सीढ़ी है, अपना दोष दिखने लगे दूसरे का कोई दोष, और नहीं तो पुराण पढ़ लो, रामचंद्र का कोई दोष नहीं, प्रजा का कोई दोष नहीं, पिताजी का कोई दोष नहीं, ऐसे प्रसंग कितने आए, चाहे मनोरमा का हो, चाहे श्रीपाल का हो, चाहे सीताजी का हो, किसी का, रामचंद्र जी के संबंध में पिताजी का कोई दोष नहीं, उन्हें का बनवा भरत को राज दे दे, पिताजी का कोई दोष नहीं। यहां से शुरुआत होती है धर्म की, क्यों, हेतु बता, दूसरे का दोष दूर करना हमारे हाथ की बात नहीं, पराधीनता, दूसरे का दोष दूसरा दूर करेगा, हम कैसे दूर करेंगे बता, एक बात हो गई। दूसरा, दूसरे का दोष अगर वह दूसरा दूर भी कर ले तो हमारा क्या कल्याण होगा, दूसरे ने अगर औषधि सेवन की हमारा रोग कैसे मिटेगा, ये तर्क कहां दिया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार जीव जीव आया, जीव अपना दुख दूर करने के लिए शरीर में उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो, आया? शास्त्र में बहुत सूक्ष्मता उपयोग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अब नंबर दो बोलो, इसके आगे अपन ने बहुत स्वाध्याय किया है। अपने दोष को स्वीकार करना मात्र ही आलोचना नहीं है, उसकी निंदा कर रहा, क्या करें, वो दोष छूटता नहीं है, अरे निंदा कर रहा करो। नंबर दो, वो तो ठीक है, नंबर दो इसके आगे बोलो, कोई निर्दोष पुरुष है कि नहीं, वीतरागी परमेश्वर है कि नहीं, उनसे भक्ति करो, उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारे, तिन की अव निर्व्रत काजा,
तुम शरण लही जिन राजा। तो महाराज ऐसे कैसे कि जी बताओ, जब तुम्हें रोग होता है तब तुम वैद्य के पास क्यों जाते, जी बता दो। तुम्हें पढ़ने से इलाज कर ले या मेडिकल से दवाई लेकर खा ले। जब रोग होता है उस रोग को दूर करने के लिए वैद्य के पास क्यों जाते हो? वैद्य के पास का धर्म है तुम्हारी निरोगता। आखिर वो औषधि तो देगा, दवाई बताएगा, दवाई तुम मेडिकल से ले लो, चाहे कौन से पूछ ले। स्पेशलिस्ट को क्यों दिखाना जानते हो? वहां हजार रुपया खर्च करोगे, क्यों करते हो फालतू? तो 400 रुपया ही फीस और 50 रुपया ही दवाई। ऐसा भी होता है, ऐसा ही प्राय होता है, लेकिन नहीं, वहां जाएंगे चेक करने। समझ में आया? जब तक ये बात नहीं होगी नहीं आपकी बनेगी, विशुद्धता नहीं होती। पद्मनंदी स्वामी ने लिखा ये, बोलो पद्मनंदी स्वामी ने क्या लिखा आलोचना अधिकार में? हाँ, हम कई बार बता चुके, हे भगवान हमारे दोष आपके केवल ज्ञान में झलक रहे, कोई छिपा नहीं, लेकिन फिर भी जब तक हम अपने मुंह से अपने दोषों का निवेदन नहीं करते तब तक हमारी विशुद्धि नहीं होती, इसलिए हम अपनी विशुद्धि के लिए इन दोषों के का निवेदन कर रहे, आलोचना कर रहे, कह रहे। समझ में आया? पद्मनंदी जैसे आचार्य ये लिख रहे पद्मनंदी पंचम सत्संग। अब आपको तो सब मालूम है हमारे सब दोष में क्या हो, सब दोष बस हो गई बस खत्म। हम अपने मुंह से एक शब्द एक दोष भी कहेंगे नहीं अपने, और सब दोषों की क्षमा बस हो गई। हम तो क्षमा मांगे आए, बस हो गई क्षमा। अपने मुंह से अपना दोष कभी नहीं पाएंगे तो उस दोष का निकलना कैसे संभव होगा? इसलिए दोषों के निवारण के लिए दोष का स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं है, दोष की निंदा भी जरूरी है और गर्हा भी जरूरी है गुरु के सामने अथवा भगवान की से प्रार्थना करना। आगे चलो। हाँ, गुरुओं के द्वारा दिए गए प्रायश्चित को ग्रहण करना, ये व्यवहार आलोचना पूरी होती है। यहाँ तक व्यवहार आलोचना पूरी होती है, ये नियम का या समय का उपदेश है, सबकाचार का मूलाचार का ये उपदेश है। नियम सार इससे आगे है अध्याय। समझ में आया? यहाँ क्या कह रहे हैं, हे भाई दोषों के अभाव के लिए इतनी जो प्रक्रिया है वह तो ब्याज चुकाने के समान है। मूल तो जहां की तरह धरो, अब देखो उत्पाद व द्रव्य के हिसाब से विचार करो। उत्पाद व द्रव्य उत्तम सा, ठीक है? उत्पाद किसे कहते हैं? नवीन पर्याय के उत्पन्न होने को, और व्यय, ठीक है? अब क्या हुआ, प्रत्येक समय में पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है और नवीन पर्याय उत्पन्न हो रहा है। तो पूर्व पर्याय का जब व्यय हो रहा है तो दोष का भी व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोष का व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन तुम नए दोष उत्पन्न कर रहे हो, तो दोष का अभाव होने का मतलब यह है दोष का आविर्भाव ना। ये बात पहले नहीं कही थी, समझ में आया? हम कह रहे हैं ना, रटे थोड़ी बैठे हैं तुम, समझ में आया ना? दोष का आविर्भाव नहीं होना, यही दोष का अभाव। अच्छा, अपन लौकिक भाषा में बोलते हैं, 6 दिन से बुखार था, आज बुखार नहीं आया, या बुखार टूट गया, दो भाषा एक ही बोलते कि नहीं? कहे आज बुखार टूट गया, अब तो टूट गया, क्यों? आज नहीं आया, सवेरे से नहीं आया, 24 घंटे नहीं आया, अब टूट गया। तो नहीं आया इसका नाम टूटना है कि नहीं?
नहीं आना इसी का नाम तो छूटना है कि नहीं। न ग्रहणम त्यागम, समझ गए? आप करते हो कैसे कि नहीं? मान लो कोई व्यक्ति बाजार का भोजन करता था, एक दिन धर्म सभा में बैठा और वही चर्चा आ गई, बाजार का भोजन तो छूने लायक नहीं है, धर्म की दृष्टि से तो अवश्य है ही, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है और महंगा भी खूब है, सब तरह से वो मतलब त्याज है। उसकी समझ में आई, उन्हें ठीक आज से नहीं त्याग। तो त्याग का मतलब क्या है? ऐसे उल्टी करके निकालोगे? नहीं नहीं, त्याग का मतलब अब ग्रहण नहीं करेंगे। बोलो, यही तो अर्थ हुआ। एक व्यक्ति आलू खाता था, उन्हें भैया आलू के तो इतने टुकड़े टुकड़े में इतने इतने दो है, ठीक है, आसे त्याग। त्याग का मतलब अब डॉक्टर के पास पूछो, डॉक्टर कहो डॉक्टर थोड़ा खून निकाल दो हमारा। क्यों? तो भाई इतने दिन में आलू खाए तो बाबू से खून बनो तो निकाल दो, उतना मांस निकाल दो, उतनी मज्जा निकाल दो, उतनी हड्डी निकाल दो। बोलो, संभव है क्या? कि पागलपन है कि नहीं? आलू खाने का त्याग का मतलब आलू ग्रहण नहीं करेंगे, बस खत्म हो गई बात। तो ना आविर्भाव, आविर्भाव नहीं होना ही त्याग है। बोलो यार, होता है कि नहीं? वो लौकिक में ऐसे ही करते हो, अगर पुराने को पकड़ोगे तो कैसे त्याग कर पाओगे? आज हम ब्रह्मचर्य ग्रहण कर रहे हैं, माने भोगों का त्याग। और कैसा त्याग करते हैं? कैसा त्याग? भोगों को हम ग्रहण नहीं करेंगे, भोगों की प्रवृत्ति नहीं करेंगे, यही तो होता है एक नंबर। प्रवृत्ति माने मन में, वचन में, काय में। ना भोगों का चिंतन करेंगे, ना भोगों की चर्चा करेंगे, ना भोगों में शरीर से प्रवर्तेंगे, चेष्टाएं करेंगे, ठीक है। और देखो त्याग, पूर्व के भोगों को हम स्मरण भी नहीं करेंगे, लक्ष्य भी नहीं करेंगे, पहले हम ऐसे करते थे, पहले हम ऐसे करते थे, पहले हम ऐसे होते थे, वो भी नहीं करेंगे, और आगामी भोगों की वांछा भी नहीं। यही तो त्याग होता है। तो दोषों का त्याग का मतलब क्या है? अब आप समझ लो, देखो बिल्कुल व्यवहार और परमार्थ अलग हो गया कि नहीं? व्यवहार में तो दोषों का चिंतन है और निंदा कर रहा है, और परमार्थ में हम दोषों का चिंतन भी नहीं करेंगे, दोषों की ओर देखेंगे भी नहीं, दोषों से। तीसरा शब्द बोलो, बहुत अच्छा, नहीं बोल पाओ, शांति रखो, थक जाते हम इसलिए। हाँ, तीसरा शब्द बोलो, दोषों से द्वेष भी नहीं करेंगे, दोषों के अभाव की चिंता ही नहीं करेंगे, ये समझ लो, दोषों के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो फिर महाराज, फिर कैसे दोष मिटेंगे? सुनो, अभी बताते हो, निर्दोष तत्व की ओर देखेंगे तो दोष उत्पन्न ही। ये सही सही याद करेंगे तो गलती अपने आप मिट जाएगी। किसी ने कोई चीज गलत याद कर ली, अब गलत भूलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही याद करो और सही दोहरा, गलती अपने आप खत्म। व्यवहार और परमार्थ बोलो एकदम कैसे हो गए? अलग हो गए कि नहीं? परमार्थ में क्या हो गया? हम दोषों की ओर देखेंगे ही नहीं। और मुनिराज तो ये कह रहे हैं, पद्म प्रमलधारी देव, इसमें पहले अधिकार की टीका में, हमें दोषों के नाश की चिंता ही नहीं, वे तो अपने आप में क्या? क्यों? हम तो निर्दोष तत्व का निरंतर अनुभवन करते हैं। सच बात है, जिसकी दृष्टि निर्दोष होती है, जिसकी भावना निर्दोष होती है, समझ में आया? जिसकी दृष्टि निर्दोष, दूसरा बोलो, बीच में भावना जल्दी कह गई, बीच का बोलो, जिसका ज्ञान निर्दोष होता है, दृष्टि निर्दोष, ज्ञान निर्दोष, फिर भावना निर्दोष होती है, उसके दोष उत्पन्न ही नहीं होते। चर्या निर्दोष होती है, दोष उत्पन्न नहीं होती। निर्दोष चर्या बहुत आवश्यक है, बहुत पुरुषार्थ लगता है इसे।
जब चारों ओर से बढ़िया पैकिंग है हमारी तो उसमें कैसे घुसेगी? एयर टाइट में हवा नहीं घुसेगी, वाटर प्रूफ में पानी नहीं घुसेगा। ये पंडाल वाटर प्रूफ है, इसका मतलब पानी नहीं घुसेगा, ब्लड प्रूफ है, माने इस कवच में गोली नहीं घुसेगी। ऐसे ये विकार प्रूफ है दोस्तों, हाँ विकार प्रूफ है, ज्ञान घन भगवान आत्मा नहीं घुसेगा उसमें। ये चर्चा नियम साधन की है, इसलिए आलोचना परम आलोचना इसको कहा, उस आलोचना से अंतर करने के लिए है। तुम्हारी अंग्रेजी में शब्द चल जाते ना, कोई चीज बनाते ना फिर सुपर, कोई चीज बनाई और फिर उसके बाद सुपर, दूसरा शब्द लगा दे पावर, एक ऑयल बनाया फिर एक पावर ऑयल बना दिया, मैंने उसमें थोड़ी चीज बढ़ाई वो उसकी क्वालिटी और बढ़ गई, ऐसी है? तो ऐसे वो आलोचना और ये परम आलोचना हमारे यहाँ आलोचना परम आलोचना अधिकार परम आलोचना के परिणाम में दोषों का संवर हो गया, दोषों का संवर, संवर गए समझ गए, नवीन उत्पत्ति रुक गई, समर हो गया बिल्कुल, जड़ खत्म हो गई है। परसों जी बोले पानी ने बरस गया है, अब हम चले जा रहे हैं, जड़ निकाले हमें, नहीं तो फिर पेड़ भी हो जाएंगे। सही बात है, जड़ निकलेगी तभी तो उसका नया बन होगा, तो जड़ तो ये है। जो पश्चद्य पाणम, जो अपने को देखता है उसे आलोचना होती है, यहाँ आलोचना का मतलब परम आलोचना होती है, ठीक है? अर्थात अपनी भाषा में बोल दो, अभी हम बोल चुके, जो अपने को देखता है उसे दोष उत्पन्न नहीं होते, जो अपना जिसकी नजर अपने हित हित पर है उसको दोष उत्पन्न नहीं होते। ये पर्यार्थिक न्याय का कथन है, अपने हित पर दृष्टि नहीं है इसलिए दोष उत्पन्न होते हैं। बेटे ये विचार करो, इन दोषों का फल हमें भोगना पड़ेगा, पर्यार्थिक नय में तुम सोचो क्या होता, कुछ नहीं होता, नहीं नहीं दोषों का फल हमें। एक दृष्टांत दिया था याद है तुम्हें, एक व्यक्ति की आदत पड़ गई, हर बात बात में गाली चकिया कलाम बन गई, गाली दे करके बिना बोलता ही नहीं, सज्जन पुरुष के सामने भी ऐसी हुआ तो बोले भैया ये तो तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, सामान्य बात करते हो, कि हम कौन गुस्सा से कह रहे, अरे गुस्सा नहीं कह रहे, गाली तो गाली है, बुरी है कि नहीं, बोले ठीक है तो हम अभ्यास करें छोड़ने का, और उसने अभ्यास भी किया, अगर माने जो कहे तो उसको करे भी है, और कहते ठीक है अभ्यास करेंगे, सुधार करेंगे, कोशिश करेंगे, और फिर कुछ नहीं करे ये तो अनादर है, आदर नहीं है, तो उसने अभ्यास भी किया, धीरे धीरे उसकी गाली बोलने की आदत छूट गई, ठीक है ना? अब उनका फिर मिलाप हुआ, बोले महाराज आपका बड़ा उपकार है, हमारी गाली की आदत छूट गई, अब कोई हमें 100 गाली भी देवे तो हमें गाली नहीं निकलती हमारे मुंह से, सामने वाला 100 गाली भी देवे तो अभी हमारे मुंह से गाली नहीं निकलेगी, धन्यवाद, बोले आप दे करके दे दो, नहीं तो, बोले भैया तेरी परीक्षा होगी, हमारी जवान कितनी गंदी हो जाती, तेरी परीक्षा होगी हमारी जवान कितनी गंदी हो जाएगी, होगा नहीं देने में, कभी ये सोचा है हमारा कितना घात होता है, हमारा कितना कर्मबंद होता है, हम कितने दूर हो जाते हैं, प्रवचन सार जी का जो विषय चला था मोह में बताना, आत्मा शुद्धोप योग रूप धर्म रूप परिणमित हो यह मनोरथ है, उसमें विघ्न करने वाली ये हमारी बहिर्मोह दृष्टि तो है, हमारा मोह ही तो हमें रोक रहा है, चाहे कर्तृत्व का हो, चाहे एकत्व का हो, चाहे ममत्व का हो, चाहे स्थानिक का हो, ठीक है? आज एक लाइन थोड़ी सी और आगे बोले देते हैं, इसमें समझ में आया? जो अपने को देखता है वह
उसे आलोचना होती है, ऐसा जिनोपदेश में कहा है, जिनवर भगवान के शासन में कहा है, परंतु कैसा हो कर भी ये बात और कहिए बोलो कि संभाव में परिणाम को स्थापित करके अपने को आत्मा देखता है। अच्छा तुम गए थे तब जमीन पर लेटे थे ठंडक की, गुस्सा से नहीं जम नेक बैठे ही लेट गए थे जमीन ठंडक की, तो उस समय ये हम सोच रहे थे यानी संभाव में स्थापित होकर के आत्मा को देखता है, इसका क्या मतलब, कोई अर्थ होगा। चरणानुसार द्रव्यम ये भी एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से ही आगे बढ़ा जाता है, तो संभाव में स्थापित होकर के ठीक बिल्कुल सही है। अब चरणानियों का संभाव लगाना पड़ेगा यार, छाला में लिखा अर मित्र मेल मसान मंचन कांच निंदन सुत करें अर्घावतारण अश प्रहारण में सदा है। अब वो तो मुनिराज की बात हो गई, अब संभाव में स्थित होकर अपने को देखता है इसका क्या मतलब हुआ। तो देखो जो अब हम अपनी भाषा बोल रहे हैं, देखो जो मेरा तेरा करता रहता है, ये मेरा ये तेरा, जो अच्छा बुरा करता रहता है उसका उपयोग तो वही उलझा रहता है, उसका उपयोग तो अंतर्मुख होता ही नहीं है, वो आत्मा देखने का पात्र नहीं, ये है इसका। ये अच्छो ये बरो ये मेरो ये तेरो बस यही लगत रहे, ये हमारा काम है ये पराव काम है, ये हमारा घर है ये पराव घर है, ये हमारा ये हमारी मन प्रतिष्ठा है ये पराई है, हमें का मतलब ये अपना है ये पुरा है ये अच्छा है ये बुरा, जो मेरा तेरा और अच्छा बुरा में के विकल्पों में उलझा रहता है उस जीव को आत्मा देखने के लिए फुर्सत नहीं, वो अपना हित का भी नहीं सोच पाता। आत्मा तो बहुत बड़ी बात है, बताओ ये जिनकी विरोधी प्रवृत्ति होती है विरोध करने की, ऐसे उलझे रहते ऐसे उलझे रहते अपने बारे में सोच ही नहीं पा, धर्म के क्षेत्र में नहीं चाहे किसी क्षेत्र में हो, दो व्यापारी है और उससे ईर्ष्या है उसका विरोध करना उसको काटना, तो बाकी दिमाग उसी में उलझा रहता है, वो अपने अपना नहीं कर पाते। तो जिसे आत्मा देखना है तो बहिर्मुखी उपयोग में तो आत्मा दिखेगा नहीं भाई, वो आत्मा देखता है शास्त्रों में कहानी बोलना, कहानी में से बोलना भैया, कहानी में से इस लाइन का प्रसंग बोलो क्रियाचरित्र आया, और पंडित जी आप तो ब्रह्म ज्ञानी भी हो, हाँ 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 ब्रह्म स्वरूप आत्मा को देखे और आपने तो आत्मा देखा होगा, हाँ हाँ हमें सार में आत्मा को शुद्ध बुद्ध कहा है, गोमर सार में आत्मा को मलिन कहा है, कर्म से बंधा हुआ कहा है, संसार में भ्रमता हुआ कहा है, माने शास्त्र आत्मा कहा देगा। जैसे नारियों के चरित्र उन्होंने नारियों उसमें देखे थे किताबों में और उसमें संग्रह कर करके लिख दिए थे और पूरा क्रिया चरित नाम का की पोथी बना दी, लेकिन जब उस स्त्री ने कहा कहो महाराज क्रिया चरित जेव देखो तुमने कहूं कि ये तो आज ही देखो हमने, तो बहिर्मुखी उपयोग वाला जी आत्मा देखता है तो काय में देखता है, अपना हित देखता है, आत्महित की बात करेगा तो काय में देखेगा, वो बाह्य क्रियाओं में अपना हित देखेगा, केवल बाह्य क्रिया ध्यान रखना, क्रियाएं कहते ही ये पढ़ने लिखने वाले जो सोच रहे थे क्रिया माने कोई पूजा पाठ दान पुण्य की होती होगी, अरे ये भी क्रिया है, ये क्रिया है स्वाध्याय की क्रिया बाह्य क्रिया है, ये शास्त्र पढ़ने मात्र से कोई ज्ञान पक्ष नहीं आ गया, ये क्रिया पक्ष है। और देखो ज्ञान पक्ष क्रिया पक्ष दो पक्ष कहे शास्त्र, तो ज्ञान पक्ष क्रिया पक्ष के दो पक्ष जो हैं वो अनेक लोगों को भी होते, अनेक लोगों को ज्ञान का पक्ष होता है ज्ञान ज्ञान में, एक क्रिया पक्ष होता है, लेकिन एक भी व्यक्ति को कभी क्रिया पक्ष कभी ज्ञान पक्ष होता है ऐसा ही। और ध्यान रखना ज्ञान पक्ष भी मिथ्या है और क्रिया पक्ष भी मिथ्या है,
और ज्ञान और क्रिया दोनों सम्यक ज्ञानी को होती है, वे को मिथ्या नहीं। क्यों क्यों मिथ्या बोलो? ज्ञान पक्ष वाला बाहर ज्ञान को ज्ञान मानता है और बाह्य क्रिया को क्रिया मानता है। आत्मज्ञानी जीव आत्मज्ञान को अनुभव को ज्ञान मानता है और स्वरूप लीनता की क्रिया को क्रिया मानता है। और जे एगो उस बार पता नहीं है बहिर्मुखी उपयोग वाले, इसलिए ये लिखा संभाव में उपयोग सम। आज भोजन अच्छो नहीं भाव, आज जगह ठीक नहीं मिली, तो अब समय कैसे होगी, आत्मा कैसे देखोगे? आज गर्मी बहुत है, आज ठंड बहुत है, ये मच्छर काट रहे, ये फलाना कर रहे, ये बदबू कहां से आ रही, आ क्या बढ़िया खुशबू आ रही, अब बता आत्मा कैसे है? माने पर द्रव्यों में मेरा तेरा और अच्छा बुरा का जो विकल्प करता रहता है वह जीव केवल बाहर में घूमता है, उसका उपयोग कहां? ऐसा जीव अपना स्वरूप भी नहीं देख पाता, अपना हित भी नहीं देख पाता, वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाएगा, वो केवल बस वह बाहर ही बाहर घूमेगा। सुधार का भाव भी हो तो दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपना कितना बिगाड़ कर ले पता नहीं पड़ता। इसलिए बड़ी मर्म की बात कुंकुन स्वामी ने इस गाथा में लिखी कि संभाव में परिणाम स्थापित करके पर है बस संभाव। ये हमारा ये पराया नहीं, सब पर है, अच्छा बुरा, अरे नहीं सब अच्छे अच्छे बुरे, जे अच्छा जे बुरा नहीं है। ये बहुत कल्पनाएं होती है जिसमें जे अच्छा जे बुरा, नहीं नहीं विचार करो, राग द्वेष अच्छे हैं के बुरे? बुरे हैं। तो राग का निमित्त अच्छा कैसे हो सकता है? जब राग बुरा है तो राग का निमित्त बुरा अच्छा कैसे हो सकता है? क्रोध बुरा है तो क्रोध का निमित्त उपचार से असद्भूत व्यवहार नहीं से बुरा कहा जाता है, ठीक है ना? तो राग बुरा है तो राग का निमित्त, हास्य का निमित्त हास्य बुरी है तो हास्य का निमित्त। अब आप सोचिए विचार करिए कि संभाव में परिणाम को स्थापित करके फिर जो अपने आत्मा को देखता है, देखने की कितनी कलाएं लिखी हैं, हैं अपने ब्रह्मचर्य धर्म की जयमाल में क्या लिखा, जयमाल का अर्घो में शील बार नौ राग ब्रह्म भाव अंतर, ऐसा नहीं लिखा ब्रह्म भाव अंतर लिखा खाली, शील बार नौ राग ब्रह्म भाव अंतर। जब तक बार नहीं बना तब तक वो अंतर की वह अंतर्मुखी उपयोग होता ही नहीं। आदि को मत पढ़ो ब्रह्म भाव अंतर लिखे बस, नहीं नहीं सील बार नौ राग ब्रह्म भाव अंतर। और जब सील बार नौ बार नहीं होगी तब तक तो उपयोग बहिर्मुखी होगा, बाहर में ही भटकेगा, बाहर में ही अटकेगा, अटकेगा ही नहीं भटकेगा। अब वो क्या आत्मा देख पाए? भैया आत्मा देखने के लिए सब छोड़ना पड़ता है, और आत्मा को देखने का लक्ष्य हो सब बिना छुड़वाए छूटता है। दृष्टांत बोलो, जिस कन्या का विवाह होना है सब छोड़ेगा, गांव माता पिता भाई बहन है सखी सहेली जो कुछ है साहब खेल खिलौना सब उसे पति मिलेगा या करके। और एक पति के समझदार इस कन्या है वो सोचती है पति के ही आधार से तो मेरा सौभाग्य पूरा जीवन ही है, तो जब पति का लक्ष्य होता तो सब छूट जाते हैं, ऊपर ऊपर का जरा देर का रोना होता है। बोलो जब विवाह की बात विदा होती है तो रोना आता है थोड़ा सा, आता ही है। लेकिन सच बताओ, सच बताओ उस कन्या को सबके छूटने का कितना दुख है,
भीतर से पूछना है, वो तो हंसी मजाक के दृष्टांत में ही, हंसी मजाक ही का दृष्टांत में था है। वो रोने आने लगे, पिता भी रोने लगा, माँ भी रोने लगी, लड़की भी रोने लगी, लड़का देख रहा है, अरे भैया छोड़ो भैया, हम चले तो राम दे तो यही रहो सब जने अपने, सब रुआएगा हम कहा करेंगे, हमारे बस तो रहने दे। अरे नहीं नहीं नहीं, तो फिर ये रोना काय हुआ, क्या ऊपर ही क्या ऊपर ही है, ढूंढो माचारी से रो रहे किराए के बाद, ये टट्टू रोने वाले आते हैं, ये रोने वाले भी पार्टी आती है आगे, तो वैसे ही रो रही है वो लड़की, नहीं नहीं उसमें भीतर का रोना है, लेकिन भीतर का रोना होते हुए भी है उस स्थिति को वो कन्या ही समझ पाएगी, दूसरा नहीं समझ पाएगा। विचार करो, पति के पाने की एक जो ललक है, पति के आश्रय से उसके जीवन की जो कल्पनाएं है, स्वामी नहीं बनी, क्या कल्पना है कि हाँ हमारा है क्या, भाभी है, वे है मार के नहीं आती, मेरा यहां क्या है, मैं वहां जाकर के स्वामी नहीं बनू, मैं स्वामी, उस ललक में उस प्रसन्नता में उस समझदारी में सब बिना छुड़ाए छूटता है, ऐसे ही आत्मा को पाकर के मैं मुक्ति का स्वामी बनूंगा, आनंदित रहूंगा आत्मा में अनंत काल तक, यहाँ हमारा है क्या, यहाँ भाव है क्या बता, यहाँ तो हम नहीं छोड़ेंगे, जी हमें छोड़ देंगे, इसलिए उसे बिना छोड़वाए सब छूटता है, छोड़वाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बुद्धिपूर्वक छोड़ करके हुआ है उसको पकड़, कल्पनाएं दोनों हैं, एक चरणान योग एक द्रव्य, द्रव्यानुसार चरणम चरणानुसार द्रव्यम, आत्मा को देखता है तब संभाव होता है, संभाव होता है तब आत्मा देखने का पात्र होता है, दोनों बातों को भली प्रकार से नए विवक्षा से समझ लेना चाहिए। ओम नमः। दिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे।